नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में आग, 1200 घर जले। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में आग लगने की वजह से 1200 घर जलकर राख हो गए। दरअसल 16 शरणार्थी शिविर के काटा इलाके में रविवार को अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामरान हुसैन ने बताया है कि आग शाम को 4:55 पर लगी और तेजी से फैल गई, जिसमें करीबन 1200 घर नष्ट हो गए। रात 9:10 तक आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। अग्निशमनकर्ता इनामुल हुसैन ने यह बताया कि आग लगने की सूचना पर 4 यूनिट को घटनास्थल पर भेजा गया। स्थानीय निवासी सद्दाम हुसैन ने बताया कि उन्होंने आग में सैकड़ों घरों को जलते हुए देखा है। इसे काबू करने में अग्निशमन सेवा और अन्य सरकारी एजेंसियों ने बहुत मेहनत की है। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब रोहिंग्या कैंप में आग लगी हो। इन शिविरों में आग लगने की घटना आम हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि कई बार गैस सिलेंडर के कारण भी आग लगी है। पिछले साल मार्च में उखिया के बलू खली में 4 कैंपों में आग से 10,000 घर नष्ट हो गए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।